Today I have come with a most popular street food of Mumbai, a dish which makes Mumbaikar relished. So, any guesses? Right, I have come with Pav Bhaji. So, let's start, friends. I have added 2 tablespoons of butter. In that, I'll add 1 teaspoon jeera, a pinch of asafoetida hing, I have taken 3 chopped green chilies, eight to 10 cloves of garlic, that which I have crushed into paste, 1 big onion which I have chopped it, 1 medium sized capsicum which I have chopped into small pieces, 1 little bit of salt. So it mixes well fast. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बाहर जो पाव भाजी बनती है उसमें हमेशा वो लोग फूड कलर डालते ही है. आज मैं जो बनाने वाली हूँ उस भाजी, दैट इज विदाउट फूड कलर. तो आप सोच रहे होंगे कि फूड कलर मतलब बिना फूड कलर के वो कलर कैसे आएगा. तो जो कश्मीरी चिली होती है, रेड चिली, उसको हम उसके सीड्स निकाल के उसको हमें आधे घंटे तक भिगोना है पानी में. एंड देन यू हैव टू चॉप विथ टमेटोज. आई शो यू फ्रेंड विच आई हैव चॉप द टोमेटो. आई शो यू द ग्रेवी ऑफ टोमेटो. Saute this well. Stir it continuously. ओके, अभी मैंने जो आपको बताया था, ये जो टमेटो प्यूरे है, ये 5 टमेटोज लिए हैं मैंने. उसको मैंने आपको बोला था कि कश्मीरी चिली को आधा घंटा भिगो के फिर उसमें ये टमेटो में डाल के उसको मिक्सर जार में मिक्स करके उसका प्यूरे बना दिया है. कलर देख ही सकते हैं. इसको मिक्स कर लेते हैं बराबर. गैस को फास्ट फ्लेम ही रखना है. अभी इसके साथ साथ ही हमें अंदर डालना है लॉट्स ऑफ कोरिएंडर. धनिया जितना ही ज्यादा रहेगा उतना टेस्ट अच्छा आएगा. वापस थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी हल्का सा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और पाव भाजी मसाला 3 टीस्पून. अभी हम इसको मिक्स करेंगे. ग्रेवी में से
ऑयल छूटना चाहिए, बटर या ऑयल बटर छूटना चाहिए। द बटर शुड रिलीज फ्रॉम द साइड। At this stage, you can taste your salt. ये जो मैंने proportion लिया है वो perfect proportion है पाव भाजी के लिए। अगर आप यही proportion से बनाएंगे पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी और थोड़ा सा चलाएंगे उसको। ओके, तो भी रेडी है, देख सकते हैं आप बटर साइड से रिलीज हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो मैंने थोड़े से ही लिए हैं, ग्रीन पीस थोड़ा मतलब इसका कारण ये है क्योंकि इससे अगर ज्यादा लेंगे तो भाजी थोड़ा ज्यादा स्वीट हो जाएगा। ये आधा बोल है ग्रीन पीस जिसको मैंने बॉईल करके क्रश किया है, और ये है 7 to 8 स्मॉल पोटैटोस। अभी इसको मिक्स करेंगे, स्मैश कर देंगे भाजी इसके अंदर, ग्रेवी के अंदर। फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे अभी। पहले से बराबर मैश करके रखेंगे बाद में तो स्मैशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो टमाटर का प्यूरे था जिसमें, उसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और वापस से उसको मिक्स करना है। रिमेम्बर फ्रेंड्स, जब भी पानी डालेंगे तभी हल्का सा वापस सॉल्ट डालना ही है। हल्का सा सॉल्ट डालना ही है, हल्का सा सॉल्ट, और लास्ट में 1 teaspoon लेमन जूस। अगर आपको लगता है कि आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप उसे मैश कर सकते हैं स्मैशर से।
सो फ्रेंड्स, योर स्ट्रीट मुंबई स्ट्रीट पाव भाजी इज रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू।